तुम हानिया को ड्रॉप करने भी गए थे? हाँ, और बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया, आज मेरी मुलाकात हानिया की मम्मी से हुई थी। अच्छा, वो भी हानिया की तरह बहुत इंटेलिजेंट है। आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे? हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। काफ़ी प्रैक्टिकल खातून लगते हैं वो, काफ़ी जिंदा दिल। अच्छा, वो राहिल, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन ना तुम ऑफिस संभाल लो, मैं ज़रा फील्ड में जाना चाहता हूँ स्पेशली इस प्रोजेक्ट को लेके। आई एम सॉरी भाई, बट मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका हूँ। क्या मतलब? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेके अब काफ़ी सीरियस हूँ। मैं डैड को कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, कुछ अचीव करना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे हानिया के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं कुछ मैनेज करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बस इसी तरह दिल लगा के काम करो। चलो ठीक है, चलें, गुड नाइट। गुड नाइट। खुदाया, शहजादा जी बेहद गर्मी है। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। किचन में थी, जिस काम के लिए इस घर में लाए ना आप मुझे, वो करी थी। सोलिया, तुम इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। फिर से वही लहसुन और प्याज की स्मेल। एक सेकंड। अरे पीछे करिए, इसको क्या कर रहे हैं आप शहजाद? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे बदन से प्याज और लहसुन की स्मेल आए तो आप मेरे करीब भी ना आना पसंद करें? तुम्हें मैं अपने आराम और सुकून के लिए लेकर आया हूँ। तो अपनी अम्मी को बताए ना ये बात। यार सौलिया, औरतों का काम ही होता है कि वो घर का काम करें। हर औरत नहीं करती घर का काम, कम अज कम आपकी अम्मी और बहन उठ के पानी का गिलास तो खुद ले सकती हैं शहजाद। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जब मैं घर आऊँ तो तुम तैयार होकर मेरे सामने आया करो। शहजाद, पूरी दिन की थकावट के बाद किसका दिल करे कि वो बंद सवर के बैठे। यार मैं क्या कर सकता हूँ? आप कर भी क्या सकते हैं? अच्छा एनीवेज, तुम नाराज ना हो, जाओ जाकर फ्रेश हो, फिर हम तुम्हारी अम्मी के पास चलेंगे। और फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलें? जो होगा। चलें ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप बाबा के सामने ऐसे सर झुकाएंगी। उनके सामने सर उठाए एक कब था जो मैं झुकाती। आलिया, मुझ में तुम जैसी जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, आप जाए बाबा के साथ, हम नहीं जाएंगे। और बाबा सब कुछ बेच कर जा रहे हैं, उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। आप अगर इनकार करती तो बाबा में फोर्स नहीं कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया? फेल में मैं उनके सामने खड़े होकर उनके मुंह पे कैसे उन्हें मना करती? क्यों, आपके मुंह में जबान नहीं है? अभी मेरे लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मैं तो यहीं से मेडिकल पढ़ूंगा, मुझे नहीं जाना अमेरिका। वो अब्बू ने कहा कि जैसे भी हो मैं तुम दोनों को तैयार करूं, राजी करूं अमेरिका जाने के लिए। आप हमें तैयार करेंगी? आप हमें राजी करेंगी? हम आपकी तरह बुजदिल नहीं है। आलिया, आप जाएं खुशी खुशी बाबा के साथ, हमें नहीं जाना। यहाँ से सब कुछ बेच कर जाना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे यहाँ? कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टी हम तीनों के नाम पर है। आलिया, तुम बस हो गई शुरू। मम्मा ठीक कहती है इसके बारे, इनके पास दिमाग नहीं है, खुद तो खाई में गिरेंगे और हमें भी गिराएंगे।